इंदौर जिले के देपालपुर नगर में चल रहे अखिल भारतीय मंगलामुखी किन्नर समाज महासम्मेलन के अंतर्गत गंगा कलश यात्रा का प्रमुख दिन रहा। कलश यात्रा 24 अवतार मंदिर से प्रारंभ होकर पेट मनाका चमन जा रहा देवी मंदिर बड़चौक बाजार इंदौर नाके बस स्टैंड होती हुई सम्मेलन स्थल पर पहुंची जहां समापन किया गया। कलश यात्रा के दौरान नागरिकों द्वारा अपने घरों व कारोबार के सामने से सैकड़ों जगह फूलों से स्वागत किया गया। देखा गया कि किसी ने पानी की व्यवस्था की तो किसी ने पोहे का नाश्ता भी करवाया। कलश यात्रा किन्नर समाज के पूरे लाव लश्कर के साथ निकाली गई। स्वागत के दौरान नगर की सभी गलियां फूलों से पट गई थी। कलश यात्रा में बैंड डीजे और कई रथों पर किन्नर समाज के गुरुवार विराजमान थे। डीजे व बैंड पर किन्नरों का नृत्य देखते ही बन रहा था। पूरे मार्ग पर दोनों ओर दर्शकों की ऐसी भीड़ लगी कि लोग देखते ही रह गए। किन्नर समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर नागरिकों को आशीर्वाद दिया। भारत की इस देश की जनता को जय हिंद जय भारत बोलना चाहती हूँ। और आज जो नेपालपुर के अंदर जो कार्यक्रम हुआ है कुंभ कलश का, इसको कुंभ कलश भी कह सकते हैं, गंगा कलश भी कह सकते हैं। ये प्रोग्राम, ये उत्साह बहुत अच्छा हुआ है। और ये जो कुंभ कलश होता है, ये शहर की सुख शांति के लिए शहर में निकाला जाता है। सभी जगह जहाँ भी किन्नर सम्मेलन होते सभी जगह यह कार्यक्रम होता है। और यहाँ पर सभी बहुत दूर दूर से आए हैं, महामंडलेश्वर लोग भी हैं और बहुत बड़े बड़े सिटियों से किन्नर लोग भी आए हैं। सभी लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, पंजाब, दिल्ली, कलकत्ता, हरियाणा और भी बहुत सारे प्रांतों से यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। और बहुत उत्साह का माहौल रहा है आज, और आगे भी और भी कुछ कार्यक्रम होंगे जो बहन बेटियों के होते हैं कुंभ कलश के बाद में, वो कार्यक्रम होंगे बंदरवाल बांध में जाया जाएगा। और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। जय हिंद।